कोई कन रेडियो मिलतो, तो भी रेडियो के मां समाचार सुनता तो जा यहां पाकिस्तान मार दिया हिंदुस्तान वाला इतना मार दिया यो तो कार में रहो दुश्मन के साथ में किस तरह से व्यवहार करना है सामने से दुश्मन आ रहा है उसको किस तरह से मारना है? मेरी चेकिंग काट गियो मेरे 55 किलो वजन हो कोनी वजन तो पहली पहली बार करें देखा। पहली बार शादी में ही, ही <laughs> अच्छा। लड़ाई होने वाली है और चलो तो 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 एक तारीख को मैं उस जगह पहुंच गया जहाँ से हमें लड़ाई लड़नी थी कौन सी जगह मेरे बाप का तो रहे कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छा। जी। उह 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 कर <laughs> लेकिन बेटा एक समय ऐसा आता है कि जब तैयार होकर लड़ाई के लिए जब जाता है ना आदमी ना तो उसको घंटी वाली के चारों तरफ बपड़े ही बम आज भी पड़े ही भी पड़े ही और वो बम पट्या को नहीं।, नहीं राम राम जी मुखोजल को झुंझुनू पर था रो बहुत बहुत स्वागत है आज मैं पहुंची हूँ झुंझुनू सबने पता है कि भाई झुंझुनू एक जिलो है सेखावाटी एक की जगह है जो आपने पूरा भारत वर्ष में जानी जा है क्यों जानी जा है क्योंकि शायद ही पूरा भारत वर्षावाटी जितना फौजी जावी ही, जितना झुंझुनू से फौजी जावी शायद ही कोई जगह आता होगा और आप हर एक मोड के ऊपर झुंझुनू के अंदर देख सका हाँ और झुंझुनू का हर एक गाँव के अंदर शहीद की मूर्ति है बान जरूर मिलेगी मेरे साथ में ही अभी जो दादाजी ही कैप्टन हरपुल सिंह दादाजी की उन्नीस सौ इकहत्तर की जो लड़ाई हुई भारत और पाकिस्तान के बीच में वह लड़ाई लड़ है काफी दिनों तक धन पतो की लड़ाई चाली ही तो आज भी लड़ाई ना लेके आप बातचीत करांगा कि भाई कितना दिन लड़ाई चाली ही कठेरा की ड्यूटी ही की तरीका हुई है लड़ाई में भाग लियो हो और की तरीका भाई पाकिस्तानिया का घुटना ही बटिकाया टिकाया और सबने पता है कि बी टाइम पर आज तो फौज जब भी लड़ाई लड़ा है तो हर एक चीज है वह उपलब्ध मिला है पर बी टाइम पर पांच पांच दस दस दिन तक तो खानो को नहीं मिला करहाया को नहीं करता तो आज आप जाना एक फौजी की कहानी पूरी फैमिली आपने साथ में है दादी जी आपने साथ में ही दादोजी आपने साथ में ही अडिन आके बहू बेटी पोता पोती सभी तो अणु भी बापा बातचीत है वो करा और दादी जी ने जाना की दादी जी ने दादो जी कठे खड़े घुमाया और कितना परेशान पर होया, तो होया करता क्योंकि आजकल तो मोबाइल ही कुछ भी बात हुआ तो मोबाइल पर कर लिया पर चिट्ठी आया करती दस दस दिनों तक चिट्ठी को पूछा करती जी तो मैं बोला पहला पहले स्टार्ट हो चुके है हाँ दादी जी राम 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 बताओ थे थारी शादी कब हुई मेरी शादी मेरा साल होगी कैसा होगी नहीं बुझो है

हाँ जब तू तो आने जाने दादाजी जॉब लागे नौकरी लागे हाँ तो बहुत और कुछ नहीं खाली मेरे पिताजी हो मैं गाँव में ही तो वो कोई रेडियो मिलते तो भी रेडियो के मां समाचार सुनता आज ही पाकिस्तान वाला इतना मार दिया हिंदुस्तान वाला इतना मार दिया यो तो काल जो यहाँ का रहते अच्छा हाँ जदर ही तो रास्ता रास्ता चल रही हो तो जाऊ ये रास्ता तो अठी न चली जाती चीती होगी माँ फिर बाद के माइन उनके गाँव आ गई दो चार दिन बाद में फिर बाद बोलिया बंद होगी अच्छा में हाँ तो दादी भी टाइम पर तो मोबाइल को नहीं हाँ और आज तो मोबाइल ही तो जहाँ तो कागज तो एक बार में लिख देता अरब कद कदी गेर दो आदमी तो अलग का दो मिनट में काट दी सही बात है हाँ तो यो को नहीं हो बस बिल्कुल तो थे दादाजी का साथ में दादाजी के साथ में बीकानेर गई अच्छा दिल्ली हम्म और जम्मू गई अच्छा मऊ गई तो जम्मू की सेव खाई कौन खाई सब खाई सब खाई हाँ बीकानेर भी गया दादाजी बता लाग, लाग रही पहले तो बीकानेर ही अच्छा बात ना हम कौन गई फिर आता तो साथ जब पर सारा मऊ तो गई ही

छोटा छोटा बच्चा हजत कर दी है पहले देखता थोड़ी कोई या मैं भाई लड़को देखेगो लड़की देखेगी वो नहीं हो अच्छा। बस घर का देख लेता वो ठीक तो थे वो भी भी रह बातचीत करांगा और दादो जी बहुत एक्टिव दादो जी की हाँ करो दादो जी राम 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 तो दादो जी तो तुम्हें बताओ कि कितनी उम्र होगी थारी होगी पहली थे कितना पड़या? कड़े थारी पढ़ाई हुई के थारा माता पिता जी करता मैं पढ़ता अच्छा। और, करी, <coughs> करी और बठे भर्ती ही ही हो रही अंदर हाँ। यह कब की बात है ये 1965, तो भर्ती हो रही तो भर्ती में खड़े हो गयो तो मेरे धक्को दिए की काट भर्ती करनी है फिर

औरे मैं ब्रेली मैं ब्रेली अच्छा मैं अच्छा। और यहाँ बरेली भेज दो मैं बोले बरेली नहीं दिल्ली जाऊंगा अच्छा देखो इतनी हिम्मत हार मैं दिल्ली दिल्ली जाऊंगा भेज जाऊँगा बोलो और वहाँ मेरी ट्रेनिंग करी और उस ट्रेनिंग का हाफ में मैं फुटबॉल खेलने के लिए नशीराबाद एक मैं और एक और लड़का वहाँ से फिर आगे भाई आके फिर ट्रेनिंग करी ट्रेनिंग करने के बाद ट्रेनिंग कड़े हुई थारी ट्रेनिंग दिल्ली के हो रही थी अच्छा कितनी साल ट्रेनिंग हुई एक साल अच्छा तकरीबन ट्रेनिंग साल की ट्रेनिंग तो एक साल की ट्रेनिंग करीबी के अंदर के थाने सिखायो कै की ट्रेनिंग करती। आज की ट्रेनिंग है बी में और में मतलब के फर्क हो दुश्मन के साथ में किस तरह से व्यवहार करना है सामने से दुश्मन आ रहा है उसको किस तरह से मारना है फायरिंग करना है अच्छा। किस तरह से करना है उनकी सारी डिटेल बताई और जैसे ही दुश्मन नजदीक आता है तो उसको हम मारेंगे कैसे अच्छा। पांच आदमी इधर भेज देंगे पांच इधर भेज देंगे सामने से फायर करेंगे इस तरह से दुश्मन को मार लेंगे ये मैं, मैं ट्रेनिंग में बताया तो ट्रेनिंग में जाए की भाई दुश्मन ने भाई क्या मारना है अगर दुश्मन सामने है भी कोई हथियार को नहीं बी टाइम पर भी हथियार मालो की नाका पड़ेगा कुछ भी होगो तो बी टाइम पर यह भी सिखाया जाता कि कि है।, है, तो है, तो है उसके पास मार दो हाँ अगर ठीक ठाक से लड़का है समझदार है तो उसको पकड़ के आओ और उसे पूछो कि भाई कहा से आया है कैसे आया है कितने का आदमी हो तुम

सत्तर तो को नहीं, हैं पैंसठ के आसपास है पैंसठ के आसपास ही और बी टाइम पर ही मिला करता केवल बास थे। बास थे। बास थे नुँ। नुँ। तो आज तो भाई हजार होगी और पैंसठ हजार मिली ही और बी टाइम पर बासठ रुपया एक दो रुपया ना बासठ रुपया हम तो बेहद भी कौन माना है पचास रुपया भी बुलाऊंगा तो वो भी हो गो पचास ही सो दो लेकिन 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 दो रूपए के अंदर

साल स्टेशन छोटा जहाँ लड़ाई बंद लड़ाई बंद तो थारी कठे कठे ड्यूटी रही पैंसठ के बाद में इकहत्तर को उन्नीस और इकहत्तर को तो जो दौर हो पाँच छह साल को वो थारो कठे के बहुत पैंसठ और इकहत्तर के बीच पूरे हिंदुस्तान में रहे हो मेरे तो हिसाब किताब लेकिन फिर बताता हूँ मैं डिटेल तो मैं जम्मू कश्मीर भी रहा और जम्मू कश्मीर से आकर के यहाँ उधमपुर वगैरह अन्मे भी रहा अच्छा दिल्ली भी रहा

तो मैं तो मेरे बाप और मार बाप के पास लिखा कर तो माँ बाप भी दूसरे को भाई को और लिखा लिख नहीं लिखनी और कौन ना हो बस आया, आया, आनिया जानिया नहीं, नहीं। जा के, बहुत के राजी खुशी है नहीं। 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 कर देता बस बी टाइम पर मैं पाँच पाँच सात सात दिन तक खाड़ो मान मिलिया को नहीं कर नहाया को नहीं करता काफी दिना तक तो ये वक्त थे भी गुजार ऐसा नहीं कह सकता मैं क्यों गुजार पाँच सात दिन तो नहीं हाँ दो तीन दिन कौन मिला तीन दिन कौन मिला चार दिन कौन मिला खाना कौन मिला है? उसके बाद में सामने मूली ही गाजर है तो दादो जी आस पास में खानो ही है <laughs> तो खाना मैं दो तीन चपाती मिल जाए थोड़ा सो सब्जी मिल जाए तो यहाँ की आप खानो खा ली अरे भाई चपाती जहाँ मिल जाए ना इस इलाके में तो मिल जाए लेकिन पहाड़ी भी छोटी जगह अच्छा। डू तो है रेगिस्तान में आई है पहाड़ी इलाका में आई है क्या आई है मेरी बर्फ में भी आई है बहुत और पहाड़ी इलाके में बहुत रहा हूँ और प्लेन एरिया में बहुत रहा हूँ आपने राजस्थान में भी ड्यूटी आई थी राजस्थान में भी आई मेरी बीकानेर बीकानेर माई।, माई तो दादाजी उन्नीस सौ इकहत्तर की लड़ाई थे लड़ी ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुई पाक और हिंदुस्तान की तो बी टाइम को थोड़ा सो बताओ कि थाने कब थाने सूचित कर लड़ाई छिड़की है कितना दिन लड़ाई चाली थोड़ा डिटेल नो बताओ ताकि अपना दर्शक की बात अच्छा समझ में नौ दस नवम्बर को आदेश मिला की लड़ाई होने वाली है और चलो ही बीकानेर में अच्छा थारी कितनी पलटन में कितना लोग है? एक पलटन ही इसमें तकरीबन एक हजार पैंतीस हो गए दो आदमी देखिए मिसाल पड़ा भाई एक तारीख को मैं उस जगह पहुंच गया जहां से हमें लड़ाई लड़नी थी कौन सी जगह एरिया जेसलमेर अच्छा। से आगे तनोट सुने? तनोट माता हाँ तनोट माता, माता सुने रही है।, है ना उसके आगे से तनोट माता फिर वो तो एक किलो है वहाँ हिंदुस्तान को उस किलो के पास में

और बी टाइम पर पाकिस्तान वाला कया घुटना टेकिया मतलब हिंदुस्तान के सामने क्या एक्टिविया करता पाकिस्तान हिंदुस्तान सामने सामने भाई एक एक भारी हो जाने आदमी ने भी भी पड़ेगा पड़ेगा अब मारे सामने में भी एक, हम एक <coughs> किलो किलो को पर। ना ररे 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 गया, भी भाई, लाग रही। बठे का बठे भाई मतलब की शहीद होल लाग रहा तो बी मंजर ने के फील कर पा रहा की, भाई की मेरे साथ का लड़का या मेहरी पटन का दस हजार आदमी एक हजार आदमी है उनमें से किसी के भी लगी ना तो अध्यक्ष के आदेश क्या है वो फलाना उसको उठाया मेरा कंधे पर चलो अच्छा। चाहे मरिड़ा वो है तो जिंदा है उसको लेके हमारी जगह पर जाता और उसको पानी देना मतलब की आया होना हिंदुस्तानी देखो दुश्मना का नहीं लग जाए तो कोशिश कराए यहाँ लेकिन वो ले जा लाग जाना केबस की बात है वो तो ले जो लागे केबस की बात है कहना होगी हाँ

खाजरू बकरिया बैठे छोड़ देता नाग पानी बढ़ा छोड़ देता और भट्टो आपका भी टिब्बा पटे रहता ड्यूटी रात में दिन और रात ड्यूटी दे देता दे रहता अच्छा। और हर बात गुड़ी खोदा जी जो मतलब थे दिखाई कौन देता दुश्मन ने देता 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 लेकिन रात में सुहा तो शुरू सर का दिन दिन कह रहा और तो फोगला ही में नीचे दो गरीब कमड़ भी छा

टाइम पर पानी मिल तो कुल मिल तो या तिसाया ही पड़ा रहता जहाँ कहीं भी जाएंगे जहाँ कहीं भी जाएंगे हिंदुस्तान में हमें पानी मिलेगा पानी मिलेगा पानी मिलेगा जहाँ कोई कुआ मिल जाएगा कोई जोड़ मिल जाएगा कोई बावड़ी मिल जाए बावड़ी मिल जाएगी इसमें से उस पर रिसोर्ट जीना आदमी है ना अपना तो दादाजी भी टाइम पर जाते लड़ाई लड़ा करता तो भी टाइम पर तो आसपास में तो कोई घर बार थोड़ी हुआ करता लड़ाई लड़ता जब क्या भाई लड़ाई हो भी टाइम पर भी वक्त जटे फौज है ना वो फौज बस्ती ने बतो होता ही होता बाकी शिवलियन आदमी नजदीक बॉर्डर के नजदीक होता अच्छा अच्छा दूर 10 12 किलोमीटर दूर रहता और भाई बाक, बाक बाकी ऊपर हम ना हो जाए हां बाकी फौजी है

या तो मरनो या जीड़ो म, बस कोई बात नहीं और मरेगा तो आप मर जावा नहीं तो लेरान थारे रहे होती के मम्मी पापा ही दादी आ, जी ही होती कब अगली जगह पूछ गया और बैठा थोड़ा आराम मिली होगी जन थोड़ी होती जना दिमाग में आया करती जना आती जना एक दूसरे के कहता रहे छोड़े नहीं है साल बोल रहे वो जना बया और जहां पर बात करा तो जब लड़ाई चली तो थरा और आसपास का साथी हा

तो गाँव था चिट्ठी मिली कौन मिली कोई समाचार नहीं मिला मेरे बाप का तो बहुत शाबाश परवाह नहीं लड़ मोटार रहे तो फर्क नहीं पड़ता अच्छा और मेरी माँ है यहाँ कर बोकर जी, उ, 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 जी। <laughs> तो माँ का तो दुख वही कि भाई बेटो क्या कोई गोली ना लग जाए कड़े सही दिन हो जाए दुख तो बाप का भी हो लेकिन वो बाप का मन हो दिल हो अच्छा जनाब का तो यार ठीक है कोई बात नहीं दो तीन तो ही और सही दो और सही तो यानी कि भाई भाई भाई, भाई बात है एक तो कोई भी इंसान है वो कठे भी जा रहे हैं दादाजी लड़ाई लड़ने गया तो बी टाइम पर देता ना बेटा तू तो मतलब तो डिमोटिवेट कर देता पिछन खींच लेता तो दादाजी को मन है वो भी खड़े ना खड़े विचलित है वो हो जाता और बी टाइम पर ढांडस बनायो की नहीं कड़े कड़े ना। लड़ाई ना। लड़ी ना। बताओ कड़े कड़े लड़ाई लड़ी घंटी वाली जाना है घंटी वाली कठे है घंटी वाली तो बोलता अरे एक एक ही हो, एक की। आज तो बहुत मैं में में भी काट अच्छा। के चारों तरफ ही आज भी पड़े, भी पड़े ही पड़े ही और वो बम पट्टोनी पूर्ण सिंह हो जो पाकिस्तान गर्म मरिया पटाकोनी तो जब लड़ाई लड़ता माता माताजी का मां का पैर छू के और फिर आग ला के जाता तनोट और तनोट से जाता वो एक किलो सो बन रहे अच्छा बिकी लाखन हाँ तो दादू जी मन में के सोच और के विचार धारा लेके जाता माताजी जी के दो खाता हुआ कि भाई देख माँ ध्यान रखिए भाई वो जंग अंगन और क्यों करे बाप रहा देख माता जी मैं तो जा और ध्यान रखिए अच्छा और दादू जी लड़ाई के बारे में कुछ के बतानो चाहूंगा आपने दर्शकां <laughs> लड़ाई के बारे में तो भाई आप भी जानो और हम भी जाने मौका मारो लड़ाई और के और लड़ाई का मतलब है जैसे हम वो अड़ीन देखो आ, हाँ। हम जब लड़ाई में जाते हैं ना यही सोच के जाते हैं कि वापस वापस तो आना नहीं है हम्म वापस तो आना नहीं है मरना है तो भाई खुला होके आजाद होकर के लड़ाई लड़ो लड़ाई लड़ो और लड़ाई लड़ आ जाते और पाकिस्तानी होते कोई भी हो कोई भी भागता रहता मैंने मार कूट के मारणा लिया तो थे पाकिस्तान का कोई फौजीन भी साथ में लेके आया कि भाई कोई को गोली मार के लिया आया या कोई ने जा लास्ट में भागा एक दो भैया लिया आया पाकिस्तान के फौजियों को है, तो है। का पर यही लाए हूं